नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F21 Pro वर्सेस Infinix Note 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F21 Pro में 6.3 इंच जबकि Note 12 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo F21 Pro में 2.88 इंच जबकि Note 12 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F21 Pro में 0.3 इंच जबकि Note 12 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo F21 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F21 Pro में 182 ग्राम जबकि Note 12 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F21 Pro में 6.43 इंचेस जबकि Note 12 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F21 Pro में 85.28% जबकि Note 12 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo F21 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 12 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Oppo F21 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo F21 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F21 Pro में Adreno 610 जबकि Note 12 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F21 Pro में Qualcomm Snapdragon 680 और Note 12 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo F21 Pro में अप टू 1TB जबकि Note 12 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F21 Pro में 4500 mAh जबकि Note 12 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo F21 Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Note 12 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो F21 Pro में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 12 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में ओप्पो F21 Pro आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 12 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A22 है, दूसरा वीवो Y72 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।